ये गाइस कुछ इस तरीके का ये यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो ये रहा गाइस सूप पीसेस नहीं है, चिकन का स्टफिंग है वो भी। ये कितना यमी एंड आ रहा है मेरे मुंह में एंड काफ़ी जूसी टाइप का है। वेलकम बैक टू अनदर फूड ब्लॉग, दिस इज वासिस मलिक एंड यू आर वाचिंग आसनसोल सिटी योर ब्रदरहुड यूट्यूब चैनल। सो गाइस इस वीडियो में फिर से हम लोग मोमो का रिव्यू करने वाले हैं। सो इस बार गाइस हम लोग मैं आपको कुछ नया स्पेशल मोमोज के बारे में बताऊंगा जो कि है मलाई मोमो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले जिसमें मैंने बताया था 17 टाइप्स ऑफ मोमो। तो जी हाँ गाइस मोमो मियाँ से है मोमो है मलाई मोमो। मलाई मोमो जो गाइस इससे पहले ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही मैंने कभी सुना है, क्योंकि मैंने पहले भी गया हूँ मोमो मियाँ तो उन्होंने बताया कि कुछ स्पेशल आइटम है मोमो मियाँ का। तो इसलिए गाइस हम लोग आज फिर से ऑर्डर करने वाले हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था अगर जोमेटो स्विगी छोड़ के आपके पास अगर डायरेक्ट ऑर्डर का अवेलेबल हो ऑर्डर सिस्टम होटल से या फिर रेस्टोरेंट से तो आप वो चूज़ करो। तो इस वाले सिस्टम में भी गाइस होटल से डायरेक्ट डिलीवरी है। तो हम लोगों ने गाइस ऑर्डर किया आज तंदूरी मोमो, जो कि पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बताया था, बट हम लोगों का पिछला एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था तंदूरी मोमोज़ के साथ, राइट। पर हम लोगों ने ऑर्डर किया है मलाई मोमो जो कि मोमो मियाँ का स्पेशल है। इस वीडियो का गाइस एक्चुअली मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि एक नया आइटम मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड हम लोगों का जो 3 आइटम है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मलाई मोमो जो कि मोमो मियाँ का स्पेशल आइटम है एंड कुरमुर मोमो गाइस, इससे पहले मैंने कुरमुर मोमो खाया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो इस बार मैं आपको बताऊँगा कि कैसा है कुरमुर मोमो, आपको दिखाऊंगा दिखने में कैसा होता है। एंड फिर से गाइस हम लोगों ने जो ऑर्डर किया वो है तंदूरी मोमो, क्योंकि पिछले वीडियोस में तंदूरी मोमो का साथ हम लोगों का एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। तो लाइक अभी हम लोगों ने गाइस ऑर्डर प्लेस किया जो कि अभी टाइम हो रहा है 4:30, तो देखते हैं गाइस कितनी देर में ऑर्डर आता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। ऑर्डर है वो 300 से ऊपर चला गया है, तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर फ्री है। इसका मतलब अगर आप 300 तक ऑर्डर करोगे तो आपका होम डिलीवरी फ्री रहेगा, और अगर आप विद इन 300 के नीचे करोगे ऑर्डर तो आपको 20 rupees डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ चलो चलो ऐसो कैसे कैसे अभी गाइज लगभग मैंने 4:30 बजे ऑर्डर किया था, विद इन 20 मिनट्स टाइट ऑर्डर जो है आ चुका है, 25 मिनट्स लगभग 25 मिनट में गाइज हम लोगों का जो ऑर्डर आ चुका है। अभी देखते हैं गाइज कि क्या क्या आया है एंड कैसा आया है, बिकॉज अगर मैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करता तो मुझे प्राइस ज़्यादा पड़ता एंड क्वालिटी क्वान्टिटी के साथ भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता एंड टाइम भी गाइज वो लोग कम से कम तो 45 मिनट्स लगाते ही हैं, जो कि मोमो मियाँ यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है। लगते हैं गाइज कि अभी कैसा है, मैं अनबॉक्स करता हूँ फूड को, फिर गाइज मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ मलाई मोमो जो कि इस वीडियो का मतलब मोमो मियाँ का एक स्पेशल आइटम है जो खास के लिए मैं खास इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत गर्म है ना। हाँ गर्म है। अच्छा उसमें सो ये गाइस टोटल हम लोगों का मोमोज है 3 टाइप्स ऑफ मोमो। तो मैं धीरे धीरे अनबॉक्स करता हूँ और देखता हूँ कि किसके पैकेट में क्या क्या हम लोगों को मिला है। तो सबसे पहले मैं इस पैकेट को करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों को मिलता है एक फोर्क एंड कुछ टिश्यू पेपर एंड ये एक पैकेट आता है गाइस, और एक पैकेट है इसमें, और ये एक पैकेट आएगा एंड इसके साथ कुछ चटनी वगैरह मिलते हैं हमें। यहाँ पर 3 पैकेट चटनी है गाइस यहाँ पर इस पैकेट पर एंड इस वाले को भी खोल लेते हैं। इसमें गाइस हम लोगों को मिलता है टिश्यू पेपर, तो मैं रखता हूँ टिश्यू पेपर को साइड में एंड ये शायद मुझे लगता है इसके अंदर सूप है। तो गाइस पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि कितना बेकार तरीके से हम लोगों को पैकेजिंग दिया गया था। सो यहाँ पर गाइस हम लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके का पैकेजिंग मिलता है सूप के साथ। इवन यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर हमें मिलता है 2 सूप और 1 प्लेट मोमो एंड यहाँ पर और 2 फोर्क मिलते हैं गाइस, जो कि पिछले वाले पे मिसिंग था। आप इधर फोकस करो। तो यहाँ पर 3 केचप मिलते हैं गाइस, तो केचप को हम लोग रखते हैं साइड पे। 3 केचप के साथ हमें मिलता है 2 सूप, यहाँ पर कुछ फोर्क एंड कुछ स्पून एंड इसको पहले खोलते हैं गाइस। सो ये है गाइस, मुझे लगता है ये तंदूरी मोमो है जो कि हम लोगों ने पिछले बार ऑर्डर किया था, कुछ खास हम लोगों नहीं था। एंड ये देखते हैं गाइस, ये गाइस कुरमुर मोमो, इसकी मैं बात कर रहा था क्योंकि ये मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, ये एकदम मस्त आइटम है।
अगर आपने ये आइटम एक बार भी ट्राई नहीं किया तो आपको ज़रूर से ये आइटम बिल्कुल ही ट्राई करना चाहिए। एंड ये है गाइस, आई थिंक ये होगा आपका मलाई मोमो। तो आप देख सकते हो गाइस मलाई मोमो कितना खूबसूरत दिख रहा है, एंड मुँह देख के ही गाइस मुँह में पानी आ रहा है मेरा। अभी मैं गाइस प्राइसिंग आप वगैरह आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहले बात करते हैं गाइस तंदूरी मोमो का। तंदूरी मोमो का जो प्राइस है गाइस वो 100 रुपीज़। एंड कुरमुर मोमो गाइस, कुरमुर मोमो का जो प्राइस है वो है गाइस 110 रुपीज़। एंड मलाई मोमो गाइस, फाइनली मलाई मोमोज अभी भी गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है तीनों आइटम ही, बट ये सबसे ज़्यादा गर्म है। इसका जो प्राइस है गाइस 125 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट जो गाइस हम लोग का टोटल बिल है वो 35 रुपीज़ का हम लोग का बिल आया। पिछली बार हम लोगों ने सिर्फ 2 प्लेट तंदूरी मोमो ऑर्डर किया था, क्योंकि हम लोगों ने जोमेटो ऑर्डर किया था, इसीलिए 300 रुपीज़ में हम लोगों को सिर्फ उतना ही ऑर्डर कर पाए, एंड उसके साथ कुछ ही नहीं मिला था। तो इस बार मैंने डायरेक्ट रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था, मोमो मिया रेस्टोरेंट से। सो इसीलिए हम लोगों को इतनी कम प्राइस में इतना कुछ मिला गाइस। मैं फिर से आपको ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर जो है दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। एंड अभी गाइज मैं आप इसको टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि कैसा है। सबसे पहले तो गाइज मैं आपको यहाँ पर तंदूरी मोमो ट्राई करूँगा। एंड ये तो मुझे पता है ये कमाल का आइटम है। एंड गाइज ये है गाइज स्पेशल आइटम मलाई मोमो, मैंने इसे पहले कभी नहीं ट्राई किया है। देखने से ही मुझे इसके मुँह में पानी आ रहा है मेरे मुँह में, एंड काफ़ी जूसी टाइप का है, अंदर इसके ग्रेवी वगैरह भी है। तो मैं अलग से घर से प्लेट लेकर आया हूँ। सो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ पर सबसे पहले सर्व कर लेता हूँ। यहाँ पर ट्राई करेंगे तंदूरी मोमो, क्योंकि पिछली बार हम लोग कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो इस बार मैं तंदूर मोमो को ट्राई करता हूँ। तंदूरी मोमो बिल्कुल ही टेस्ट अलग आ रहा है गाइज। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अंदर चिकन पीसेस नहीं है, चिकन का स्टफिंग है वो भी भरा हुआ, इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि यहाँ पर बीच में हवा भी नहीं है, पूरा चिकन एंड काफ़ी नरम है। सो ये रहा गाइस कुरमुर मोमो, दिस इज़ माय फेवरेट गाइस। सो इसके साइज़ देख रहे हो आप यहाँ पर भी गाइस, पीसेस जो है 3 प्लेट का ही 6 पीसेस है। आप साइज़ देख के समझ सकते हो कि क्वांटिटी में इन लोगों ने कोई भी कंजूसी नहीं किया है, भरपूर क्वांटिटी में मिला है। क्वांटिटी में बोलना चाहूँगा इस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, एंड टेस्ट भी गाइज काफ़ी अच्छा है इस वाले का, क्योंकि मैं इसे पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज। ये इसका, ये गाइज कुछ इस तरीके का ये साइज़ है, ये इस तरह का 6 पीसेस मिलते हैं। एंड मैं गाइज मैं फेवरेट इसे ट्राई करता हूँ। सुपर गाइज कुरमुर मोमो जो कि कमाल का है, आपको एटलीस्ट एक बार तो ट्राई करना चाहिए। एंड ये गाइस मलाई मोमो, इससे पहले मैंने कभी नहीं ट्राई किया, तो पहले तो मैं इसका ग्रेवी थोड़ा ट्राई करके देखूंगा कि टेस्ट कैसा है। काफ़ी स्मूथ है, थोड़ा सा मीठापन है, मसाला भी है गाइस, ऑल ओवर टेस्ट गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड मैं इसे अब एक पीस ट्राई करता हूँ, एंड आपको यहाँ पर एक क्लोज शॉट देखने को मिलेगा कि कितना यम्मी एंड स्मूदी टाइप का टेस्ट जो है गाइस इसका कमाल का लगा मुझे इसका ग्रेवी का। एंड मैं इसे ट्राई करूँगा गाइस, मैं इसे बिना चटनी के ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे ग्रेवी जो है अंदर से गाइस काफ़ी जूसी है, टेस्ट इसका अमेजिंग है गाइस। इससे वैसे तो मैंने काफ़ी सारे वैरायटी ट्राई किए हैं मोमो में, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमो मलाई मोमो, क्योंकि इससे पहले मैंने इतना टेस्टी मोमो आसनसोल में तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं किया। सो गाइज मैं बोलना चाहूँगा इतने सारे आइटम जो मैंने अभी तक ऑर्डर किए हैं उसमें से गाइज बेस्ट है गाइज ये मलाई मोमो। ये आपको एक बार तो बिल्कुल ही ट्राई करना चाहिए, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। सो फटाफट मैं इसे, अमेजिंग। सो इस प्राइस में गाइज मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर आपके पास रेस्टोरेंट का ऑप्शन है तो आप डायरेक्ट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करो। जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करने से आपको क्वांटिटी में भी कम मिलता है, क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, एंड प्राइस में भी। तो यहाँ पर मुझे अच्छे प्राइस में क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टेस्ट तीनों ही गाइस मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। सो मैं नंबर भी दे दूंगा गाइस आपको, स्क्रीन पे शायद फ्लैश कर रहा होगा, आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो मेरे साथ अनुपम, हम लोग दोनों आई थिंक ये सब ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद गाइस मैं आपको ऑल ओवर बताता हूँ। ये रहा गाइस सूप। सो यहाँ पर गाइस कोरिएंडर लीव्स, एंड ये गाइस चिकन सूप है, क्योंकि यहाँ पर आपको चिकन के पीसेस मुझे देखने को मिल रहा है। ओ काफ़ी ज़्यादा चिकन है गाइस, देख सकते हो आप। सो पिछले वाले सूप में तो वेज सूप दिया था,
एंड काफ़ी मतलब ठीक ठाक एवरेज टाइप का था, बट यहाँ पर चिकन सूप है एंड चिकन का क्वांटिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। टेस्ट भी गाइस कमाल का है, मोमोज के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा। यहाँ पर गाइस हम लोगों ने पूरा खाना जो है ख़त्म कर डाला, एक भी मोमो बचा हुआ नहीं है। सो मैं अनुपम से गाइस पूछना चाहूँगा कि उनको ये कैसा लगा, कौन सा मोमो उनका सबसे अच्छा लगा एंड ऑल ओवर जो खाना था कैसा था। तो हम लोग अभी तीन डिश खत्म कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। कुड़मुर मोमो अच्छा था, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था। आई गेस यहाँ पे आसनसोल में कौन बनाता है नहीं पता यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं बनाता। मैं पहले भी गया हूँ, कोई नहीं बनाता। अच्छा, बहुत सही है फिर। और मलाई मोमो अच्छा लगा, बट हाँ ये मैंने भी पहली बार ट्राई किया, गजब का था। मगर मलाई मोमो ना, और तीसरा था वो क्या था ना, तंदूरी पिछले बार हम लोग तंदूरी अच्छा है, पिछले बार ट्राई किया था एवरेज था, लेकिन ये इसका अच्छा है। शायद ये बहुत ज़्यादा गर्म आया हुआ है डिलीवरी, तो इसीलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। इसे ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीक। श्योर। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ ज़रूर। और मोमो क्या पहले कभी आपने कभी ट्राई किया है, मलाई मोमो क्या पहले कभी आपने ट्राई किया है गाइस, ये मुझे कमेंट करके बताओ। एंड गाइस मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जैसे हम लोगों ने डिलीवरी किया था तो डिलीवरी बॉय साथ में सैनिटाइज़र लेकर आया था, हम दोनों को दिया, हम लोगों ने अच्छी तरीके से सैनिटाइज़ किया, फिर वो चला गया। फिर गाइस हम लोगों ने इतना सारा खाना जो है जैसे ख़त्म किया, काफ़ी ज़्यादा खाना था। फिर से मैं गाइस एक बार बोलना चाहूँगा, खाना का क्वालिटी जो था गाइस गजब का था, क्वांटिटी भी गाइस भरपूर था, आप लोगों ने देखा ही। एंड टेस्ट वाइज गाइस इट वाज ऑसम, मुझे सबसे बेहतर लगा मलाई मोमो। अगर आपने आप मोमो लवर हो तो आपको एटलीस्ट एक बार मलाई मोमो ट्राई करना चाहिए। एंड कुरमुर मोमो जो था गाइस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बट इस बार गाइस मेरा फेवरेट जो था वो मलाई मोमो था, क्योंकि दिस वाज गाइस अमेजिंग। एंड गाइस तंदूरी मोमो पिछले वीडियो से काफ़ी बेहतर था। एक बात बोलना चाहूँगा, सूप, ये गाइस सूप मुझे मैंने आइडिया नहीं था कि सूप का क्वालिटी इतना बढ़ गया, मैं पहले भी एक बार ट्राई किया था सूप, बट उससे गाइस काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट जो इम्प्रूव हो गया। एंड इसमें ये चिकन सूप था, वेज सूप नहीं था। अगर आपको वेजिटेरियन हो, वेज सूप चाहिए होता तो आपको फ़ोन करके शायद बोलना होगा। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप जोमेटो स्विगी से कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट होटल से करो, तो आपको प्राइस कम पड़ेगा, क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।